नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन कुमार और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप लोगों को इसके बारे में जानकर बहुत दिलचस्पी भी होगी और आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि ये टॉपिक के जब कवर होगा तो आप लोगों को इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एग कुकरी के बारे में, और इसमें देखते हैं हम कि इसके क्या क्या, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, इसका एग का इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एग क्या है, और जो इसकी स्टोरेज है वो हम कैसे करते हैं, और जिसके प्रिकॉशन क्या लिए जाते हैं जब हम किसी भी अंडे को स्टोर करते हैं या इनको जब भी किसी जगह पर स्टोर किया जाता है तब। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें मदन कुमार पर, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एग कुकरी के बारे में। सबसे पहले आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि एग होता क्या है बेसिकली। एग क्या होता है बेसिकली, एक ये हार्ड राउंड टाइप का होता है, हार्ड शेल होता है जो जिसके अंदर कुछ भी, या तो एनिमल होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होंगे या रेप्टाइल्स होंगे या फिश होंगे। और ये देता कौन है, ये देता है हमारे फीमेल एनिमल्स, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो हमारे अंडे देती हैं, जिसके अंदर बर्ड्स भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकते हैं, और ये देते भी फीमेल एनिमल्स हैं, ठीक है, और फिश भी होती है। मोस्ट कंजप्शन जो हमारी होती है, मोस्टली जो कंजप्शन वो होती है हमारी चिकन एग्स की। जो एग्स होते हैं वो हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। जो फिश के एग्स होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं रेदर देन चिकन्स। चिकन के होते हैं आपके वो भी नॉर्मल प्राइसेस रेंज के होते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि ये जो इसके प्राइस रेंज होता है, ये एक तो वेट, अकॉर्डिंग टू वेट भी इसका होता है, और जो टाइप्स ऑफ चिकन्स होते हैं उसके हिसाब से भी इनके एग को डिवाइड किया जाता है। और एक तो ये सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एग, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है देन अदर देन फूड्स के बारे में। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ एग के, एग पे, कि इसका बेसिकली ये तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये तीन पार्ट्स इसके बेसिकली जो इसके कंपोनेंट्स है वो थ्री है। फर्स्ट इसमें दिखाया गया है शेल, फिर है एग वाइट एंड देन एग योक। शेल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, तो शेल ये आपका ये है कौन सा, एग शेल है आपका ये आउटर लेयर जो आपको दिखाई देगी, जो आपने अंडा वैसे नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अंडे के जो बाहर का लेयर होती है वाइट कलर की या फिर ब्राउन एंड कलर की, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं एग्स के। तो जो बाहर का राउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी एग शेल, उसको हम एग शेल बोलते हैं। फिर जो येलो कलर का जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसको बोलते हैं हम एग योक। ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, एग योक। फिर हम आते हैं एग वाइट, जो यहाँ पे लिखा है एग वाइट, या यहाँ पे लिखा है एल्बुमिन, क्योंकि एग वाइट को ही एल्बुमिन भी बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें एल्बुमिन होता है, जो यहाँ पे आपको येलो कलर के आउटर लेयर में दिखाई दे रहा है वो है सबसे ज़्यादा आपका कौन सा, एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग। फिर आते हैं हम इसके मेन स्ट्रक्चर पे, जिसके कंपोज ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि फर्स्ट में है एयर सेल, क्योंकि जहाँ से अंडे के अंदर हवा जाती है और यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका पूरा चलता है, वो है एयर सेल। फिर आता है शेल जो आउटर लेयर होती है, फिर एग वाइट, फिर एग वाइट के बाद आपका आता है एग योक जो येलो कलर आपको बताया था, और फिर मेम्ब्रेन आती है इसकी। मेम्ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेम्ब्रेन कौन सी होती है इसकी। फिर आता है आपका वाइट कॉड, और ये था आपका इसके पार्ट्स। फिर आते हैं हम इसकी स्टोरेज के बारे में, कि इसकी स्टोरिंग ऑफ एग्स कैसे की जाती है। तो स्टोरेज करने के लिए इसका बेसिक जो नॉर्मल सा टेम्परेचर है वो होता है आपका 2-5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा जैसे कि 36 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप इसको स्टोर करेंगे। अगर आप इसको अपने रूम टेम्परेचर पर एग्स को स्टोर करेंगे तो वो ईजिली आपके अंडे स्पॉइल हो जाएंगे या आपके अंडे ईजिली ख़राब हो जाएंगे। आप इसको नॉर्मल किचन में आप रख के टेम्परेचर पे नॉर्मल रेंजेस में आप नहीं रख सकते, आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा 2-5 डिग्री सेल्सियस पे। और जो सेकंड जिसमें दिखाया है वो है आपका स्टोर एग अवे फ्रॉम फूड दैट माइट पास ऑन अनडिजायरेबल फ्लेवर और ऑर्डर। मींस इसका क्या मतलब है कि आपको जैसे मीट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं आपके या फिश बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी का अपना अलग अलग स्मेल होता है, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से अपनी स्मेल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनको अपने अलग जगह पे स्टोर करना है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ स्मेल एक्सचेंज ना कर पाएँ और ये दूसरे इसकी फ्लेवर आप में एक दूसरे में एक्सचेंज ना हो। तो ये इसके मेन जो प्रिकॉशन है वो आपको लेने हैं जब आप स्टोर को एग को स्टोर करेंगे।
फिर आते हैं हम इसके प्रोटीन कंटेंट ऑफ एन एग पे, ज़्यादा इसमें तीन कितना परसेंट होता है वो आपको दिखाया गया है, 12.6% बाय वेट इसमें होता है। आप गांव अंडा खाएंगे तो उसमें कितना 12% आपको प्रोटीन इसमें मिलेगा। फिर आते हैं हम इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एन एग में, एक एग के अंदर आपको 57% प्रोटीन, एग वाइट में 57% प्रोटीन पाई जाती है, और जो येलो पार्ट होता है येलो योक जिसको भी बोलते हैं हम, उसमें आपकी होती है 43% प्रोटीन एक एग के अंदर। फिर इसके प्रॉपर्टीज ऑफ एग में आते हैं हम, तो इसमें जैसे कि हमारे एग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है तो वो भी देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले इसमें दिखाया गया फ्राइड चिकन में, ये एक कोटिंग एजेंट भी होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं, जैसे चिकन, इसमें चिकन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले अंडे को लेते हैं उसको फेंटते हैं और उसके अंदर चिकन को डिप करते हैं, और फिर जो वो लेयर बाहर में बाहर बनती है वो एक कोट, वो लेयर से इसको कोट कर देता है, मतलब चिकन को कोट कर देता है, ताकि जब भी हम चिकन को फ्राई करें तो वो आपस में उसकी लेयर है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाता है और एक अनदर लेयर भी इसके ऊपर बन जाती है। तो ये एक कोटिंग एजेंट हो गया फर्स्ट। सेकंड में जैसे आपको दिखाया थिकनिंग एजेंट पुडिंग और कस्टर्ड में, थिकनिंग एजेंट का क्या करते हैं कि ये फूड को क्या देता है, गाढ़ापन देता है, मतलब थिकन करता है, जैसे कि आपको कस्टर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कस्टर्ड भी एक गाढ़ापन, मतलब एक फूड होता है जिसमें गाढ़ापन होता है पहले से, तो ये इसको गाढ़ा करने के लिए हम अंडे को इसमें यूज़ भी करते हैं। फिर आते हैं बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट में क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए हम अंडे को भी यूज़ करते हैं इसमें बाइंडिंग एजेंट के लिए। फिर आते हैं हम इसके लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग एजेंट क्या होता है कि किसी भी फूड को फ्लफीनेस देने के लिए और सॉफ्टनेस देने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा एग, जैसे कि यहाँ पे दिखा है फूड केक में और सूफले में। सूफले का आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लफी सा आपको दिखाई दे रहा होगा, उठा हुआ जैसा है, तो इसमें जो एयरिंग जो है और जो यहाँ पे लीवनिंग एजेंट इसमें यूज़ किया गया वो है आपका एग। तो एग एक लीवनिंग एजेंट भी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी भी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।